जिस तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव के मैदान में आपने हमला किया है अमिताभ बच्चन पर, वो ज़रूर आपसे पूछ रहे होंगे, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। उत्तर प्रदेश में चारों तरफ लिखा हुआ है या टीवी पे भी आता है कि उत्तर प्रदेश में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। मैंने उनको संभालने की कोशिश की, हमने कहा देखिए अमिताभ बच्चन से करवाया गया होगा, तो चाहे पैसा हो चाहे जो भी हो, उस कारण उन कारणों से किया होगा। आई ट्राई टू सेव हिम, मैंने उनको बेल आउट करने की कोशिश की। इसका जवाब अमर सिंह ने दिया जब वो आपकी अदालत में आए, हमने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन ने तो पैसा नहीं लिया लेकिन हो सकता है कि शत्रुघ्न सिन्हा के पास पैसे की कमी हो। लेकिन अमिताभ बच्चन तो बिल्कुल नहीं बोले, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, मोटे मियाँ मेरा मतलब है छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह। लेकिन सत्यजी अगर अमिताभ बच्चन ने पैसे लेकर भी ऐड किया तो उसमें बुराई क्या है? मॉडलिंग करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जो कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा को पैसे की जरूरत है और अमिताभ बच्चन को पैसे की जरूरत नहीं है, तो मैं जानना चाहूँगा तमाम लोगों से कि फिर वो च्यवनप्राश, हाजमोला, बालों का तेल और ये और वो जो ये सारे प्रचार किस लिए करते हैं? मातृभूमि की सेवा के लिए करते हैं क्या? जाहिर है पैसे के लिए करते हैं। जिसको अखिलेश यादव अंकल कहते थे, जिस अंकल ने उनको पढ़ने भेजा ऑस्ट्रेलिया, शादी करवाई, केक खिलाया, ऐसा क्या हो गया वो अखिलेश आज अंकल से नाराज़ है? मैं तो चाहूँगा अखिलेश मुझे अंकल बोले। आज स्थिति है कि दुनिया अखिलेश को अंकल बोल रही है, अब मैं अखिलेश को अंकल तो नहीं कह सकता। समाजवादी पार्टी का सम्मेलन हुआ था थोड़े दिन पहले, जिसमें अखिलेश यादव ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया था, आँख में आंसू है, गला भरा हुआ है और वो कह रहे हैं कि अमर सिंह जी मुलायम सिंह के साथ 3 घंटे बैठे, उसके बाद मुलायम सिंह जी ने मुझे निकालने का लेटर साइन कर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। अखिलेश को निकलवाने में, रामगोपाल को निकलवाने में, इन सब चीज़ों में आपका कोई हाथ नहीं था, परिवार का झगड़ा आपकी वजह से नहीं हुआ, तो फिर क्यों हुआ ये झगड़ा? झगड़ा अमर सिंह का कहा है, मैं अध्यक्ष बनना था, मुझे अध्यक्ष रहने दो। अखिलेश कह रहे थे मैं तुम्हें अध्यक्ष नहीं रहने दूंगा, मुझे सरकार भी चाहिए, अध्यक्ष भी चाहिए, 3 महीने बाद तुम भले ले लेना। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता, लेकिन परिवार का एक व्यक्ति है जो उसका आजकल नया सलाहकार है, उसने उसके दिमाग में यह सब कुंठा और जहर पिता के प्रति भी और मेरे प्रति भी भरी। अब रामगोपाल यादव की बात, देखिए मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, कड़े मुकाबले में रामपुर में जीत हासिल की, बहुत मुश्किल मुकाबला था, लेकिन जो आपके विरोधी हैं जो चुनाव हार गए, मुख्तार अब्बास नकवी जो बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनका बयान मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि रामपुर में ये एक सी ग्रेड फिल्म थी जिसकी सुपरस्टार जया प्रदा थी और जिसके स्क्रिप्ट राइटर और डायलॉग राइटर अमर सिंह थे। हम हमेशा ए ग्रेड में ही रहा और ए ग्रेड में ही हम जीत कर आए हैं, और मुख्तार अब्बास जी जितने उन्होंने जो हमें हमारे ऊपर कॉमेंट किया था, तो उनका हमने 60,000 वोटों में सिमट लिया मैंने, तो आखिर। और उसके बाद ये भी कहा कि ये तो अमर सिंह की सहेली हैं इसलिए वो इनके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा कहा आपने, इस बात के लिए मुझे गर्व है, मैं उस स्तर के जो नेता है अगर वो अपने दिल से करीब मानता है तो मैं इसको इस बात को फख्र एहसास करती हूँ। कल मैं आपके साथ 2 बार मैं सभाओं में दिखना शुरू करूंगी और मैं यहाँ पे 2 बार आप इस बार इसके बाद जो है दोबारा आप मुझे इस प्रोग्राम में बुलाना शुरू करेंगे, लोग कहेंगे कि आपके सहेली भी हूँ। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा, लेकिन